हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही तगड़ा बूस्ट करेगा, क्योंकि आंवला जो होता है इंडियन गूसबेरी, इसमें विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। तो आप कोशिश करें कि इसे डेली अपने डाइट में इंक्लूड करें, और वो कैसे करेंगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बनाएंगे आज आंवले की चटनी। तो आंवले की चटनी बनाने के लिए आप मार्केट से बिल्कुल फ्रेश आंवले ले आइए। कोशिश करें कि आपकी आंवलों में स्पॉट्स कम हो, यानी कि दाग धब्बे थोड़े कम हो। फ्रेश आंवले होंगे तो चटनी उनकी बहुत ही अच्छी बनेगी और लंबे टाइम तक चल सकती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंवलों को अच्छे से धो करके पोंछ लिया है। चार आंवलों की मैं चटनी बना करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम धुले हुए आंवलों को अच्छी तरीके से कट करेंगे। इन्हें कुछ इस तरीके से आपको कट करना है कि इसका जो बीच में सीड है वो पार्ट अलग हो जाए, और जो साइड वाला पार्ट है पल्प या फिर गूदे वाला जो पार्ट है उसे आपको अलग करना है। थोड़ी सावधानी से कट करें, क्योंकि जो इसकी गुठली होती है बहुत ही हार्ड होती है, उसकी वजह से अगर आपका नाइफ थोड़ा यहाँ वहाँ स्लिप हुआ तो आपका हाथ कट सकता है। तो कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए। आपको जो बीच की गुठली है उसका जो सीड है उसे अलग करना है, और साइड के पल्प वाला भाग आपको अलग करना है। तो मैंने अपने सारे आंवलों को इस तरीके से कट करके रख लिया है। उसके बाद आपने लेना है एक मिक्सर का जार, और उसमें कटे हुए आंवलों को डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें इसमें डाल दें। मैंने यहाँ पे दो मिर्चें ऐड की हैं, छोटी छोटी साइज की ये मिर्चें हैं। फिर इसमें डाल दूंगी अदरक। तो एक इंच की अदरक को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, फिर इसमें डाल दें। फिर जाएगा लहसुन। लहसुन के बाद इसमें हम डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। अब हरा धनिया डिपेंड करता है अपने टेस्ट के ऊपर, आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, खाने वाला नमक आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। फिर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, एक चौथाई छोटी चम्मच। आप सिर्फ वाइट नमक का यूज़ भी कर सकते हैं। अब डाल करके थोड़ा सा पानी इसे अच्छे से पीस लेंगे। चटनी पिस गई है, पर मैं आपको दो इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी, तो अब बता देती हूँ। मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। इनसे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप इसमें शुगर या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये खट्टी मीठी चटनी बन जाती है, पर मैंने ऐड नहीं किया है। अब चलिए दोबारा से इसे पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, आंवले की झटपट से बनाई हुई चटनी रेडी हो गई है। इस चटनी को आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। याद रखिए, फ्रीजर में आपको स्टोर करना है। हाँ, ये आइस क्रिस्टलाइज हो जाएगी, इसके बर्फ बन सकती है, बट जब आपको ये खाना हो तो खाने से दो चार घंटे पहले आप इसे बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद आप इस चटनी को इंजॉय करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे फ्रेश बनाएं। जब तक आपको आंवला सीजन में मिल रहा है तब तक आप डेफिनेटली इसे इंक्लूड करें। फ्रेश कच्चा आंवला भी आप खा सकते हैं। कच्चा आंवला आप खाना नहीं पसंद कर रहे हैं तो इस तरीके से चटनी बनाएं और अपनी डेली की डाइट में इसे इंक्लूड करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।